अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के ज़ात से आप तमाम बखैर होंगे। आज मैं लेसन नंबर 1 का 5वां सबक पढ़ा रहा हूँ। चलिए आइए नाज़रीन, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा का मखरज ज़ुबान की नोक को ऊपर के दांत के किनारे पर लगाने से वा अदा होते हैं। आयन का मखरज हलक के दरमियानी हिस्से से आयन अदा होते हैं। आयन। गैन का मखरज हलक के मुंह के जानब वाले हिस्से से गैन अदा होते हैं, जैसे गैन। फा का मखरज नीचे के होंठ के तर वाले हिस्से पर ऊपर के दो दांत के किनारे को लगाने से फा अदा होते हैं, जैसे फा। नाज़रीन, चार चार लफ्ज़ लेकर के चल रहा हूँ, आज भी चार ही लफ्ज़ चला हूँ। तो चलिए आइए नाज़रीन, मैं आप पीछे से एक मर्तबा दोहरा लेता हूँ। अलिफ़ का मखरज तमाम मुँह के खाली हिस्सा है, जैसे अलिफ़। बा का मखरज दोनों होठों के तर वाले हिस्सा है, जैसे बा। ता का मखरज ज़ुबान की नोक को ऊपर के दांत के किनारे हैं, जैसे ता। सा का मखरज ज़ुबान की नोक को ऊपर के दांत के किनारे हैं, जैसे सा। जीम का मखरज ज़ुबान के बीच के हिस्से को ऊपर के तालू पर लगाने से जीम अदा होते हैं, जैसे जीम। हा का मखरज हलक के दरमियाने हिस्सा है, जैसे हा। खौ का मखरज हलक के मुँह के जानब वाला हिस्सा है, जैसे खौ। दाल का मखरज ज़ुबान की नोक को ऊपर के दांत की जड़ में लगाने से दाल अदा होते हैं, जैसे दाल। राल का मखरज ज़ुबान की नोक को ऊपर के दांत के किनारे पर लगाने से राल अदा होते हैं। रौ का मखरज ज़ुबान का किनारा महापुष्ट ऊपर के सामने के चार दांतों के मसूड़ों से रो अदा होते हैं, जैसे रो। ज़ा का मखरज ज़ुबान की नोक ऊपर के चार दांत और नीचे के चार दांतों के किनारे पर लगाने से ज़ा अदा होते हैं, जैसे ज़ा। सीन का मखरज ज़ुबान की नोक को ऊपर के चार दांत और नीचे के चार दांतों के किनारे पर लगाने से सीन अदा होते हैं, जैसे सीन। शीन का मखरज ज़ुबान के बीच के हिस्से को ऊपर के तालू पर लगाने से शीन अदा होते हैं, जैसे शीन। क़ाद का मखरज ज़ुबान जो सीन का मखरज है वो भी वही क़ाद का। ज़ुबान की नोक को ऊपर के चार दांत और नीचे के चार दांतों के किनारे पर लगाने से क़ाद अदा होते हैं, जैसे क़ाद। वाद का मखरज जो ज़ुबान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ में लगाने से वाद अदा होते हैं, जैसे वाद। ता का मखरज ज़ुबान की नोक को ऊपर के दांत की जड़ में लगाने से तो अदा होते हैं, जैसे तो। और वा का मखरज ज़ुबान की नोक को ऊपर के दांत के किनारे पर लगाने से वा अदा होते हैं, जैसे वा। आयन का मखरज हलक के दरमियाने हिस्से से आयन अदा होते हैं, जैसे आयन। आयन का मखरज हलक के मुंह के जानब वाले हिस्से से अदा होते हैं, जैसे गैन। फा का मखरज दोनों ज़ुबान होंठ के नीचे वाले हिस्से, होंठ के तर वाले हिस्से में ऊपर के दो दांत के किनारे को लगाने से फा अदा होते हैं, जैसे फा।
नाज़रीन, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो इसको लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।